बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की हमारी ये कहानी है ना इंसाफी के बारे में, ब्रुटैलिटी के बारे में और एक इनह्यूमन प्रैक्टिस के बारे में जिसका नाम है स्टोनिंग। जिस प्रैक्टिस में किसी भी कन्विक्ट को पत्थर से मार मार के मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये एक तरह की सजा है जो अभी भी इस दुनिया के कई सारे जगहों में चल रही है। जिस फिल्म के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है द स्टोनिंग ऑफ सूर्या एम। ये फिल्म 2009 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म का डायरेक्टर है सायस नाउरोस्टे। ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है जो ईरान में एक महिला के साथ घटी थी। तो चलिए अभी इस लॉन्ग इंट्रोडक्शन को यहीं पर खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कहानी के स्टार्टिंग में हम एक मिडिल एज्ड वुमन को नदी के पास भटकते हुए देखते हैं, जहां कुछ जंगली जानवर किसी चीज को खा रहे थे, एक लाश को जिसके अभी सिर्फ हड्डियां ही बची थी। ये लेडी उन हड्डियों को उठाती है और जमीन के नीचे बड़ियल की तरह दफना देती है। तभी उसे दूर से गाड़ी बाहर से गांव के अंदर आते हुए दिखती है। इस गाड़ी में एक फ्रेंच रिपोर्टर था जो जाकर एक गैराज में अपनी गाड़ी सर्विसिंग के लिए देता है और खुद एक होटल में जाकर रुकता है। हम देखते हैं ये औरत बीच रास्ते में उसे रोककर कुछ कहने की कोशिश कर रही है इस गांव के बारे में, कुछ ईजल के बारे में और इसके राज के बारे में। मगर वो ज्यादा कुछ कह पाए इससे पहले ही दो लोग आकर उसे पागल कहकर भगा देते हैं, जैसे वो नहीं चाहते इस गाँव का राज किसी को पता चले। इनमें से एक था इस गाँव का मुल्ला हसन और दूसरा था मेयर इब्राहिम। उनके बिहेवियर से लग रहा था वो लोग उस औरत से रिपोर्टर को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये लेडी भी बहुत ही चालाक है। वो उस रिपोर्टर का पीछा करती है और चोरी छुपे उसके होटल में जाके उसे कागज देकर भाग जाती है जिसमें उसके घर का डायरेक्शन लिखा हुआ था। इन गाँव वालों का बर्ताव उस रिपोर्टर को भी बहुत अजीब लग रहा था, तो वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उस लेडी के घर में जा पहुँचता है। उसे पता चलता है इस लेडी का नाम है जारा और कल इन्हीं गांव वालों ने उसके एक लौते ने सुराया का खून किया है, वो भी सबके सामने मोस्ट ब्रूटल तरीके से, उसे छोट मोट का ब्लेम्स देकर। जीते जीते उसे इंसाफ नहीं मिला, तो अभी मरने के बाद जारा को उसके लिए इंसाफ चाहिए। तो वो इस रिपोर्टर को उसकी कहानी बताना शुरू करती है और शुरू होती है इस फिल्म की असली कहानी, सुराया की कहानी। हम कुछ दिन पहले पहुंच जाते हैं, मिलते हैं सुराया से। वो एक यंग एंड ब्यूटीफुल लेडी है जो अपने दो बेटी के साथ अपने पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने की उम्मीद रखती है। मगर ईरान के इस बंजर जमीन की तरह उसका जीवन भी सूना है। उसका पति आली एक बहुत ही खरोस आदमी है जिसे टीनेजर लड़कियां पसंद है। रिसेंटली ऐसी एक 14 साल की लड़की महरीन पर उसकी नजर पड़ी है। असल में आली शहर में करेक्शनल होम में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, जहाँ रिसेंटली एक डॉक्टर को शिफ्ट किया गया है। उसकी फांसी होने वाली है, उसी डॉक्टर की बेटी है ये लड़की। उस डॉक्टर को फ्री करने के बदले में उसे वो लड़की मिलेगी। ये काम आली के लिए बहुत ही ईजी है, उसे सिर्फ लॉकर से पेपर सटाना है तो महरीन तो उसे मिलेगी ही। अभी प्रॉब्लम है तो सिर्फ सुराया, आली दो बीवियों का खर्चा संभाल नहीं पाएगा, तो वो चाहता है सुराया से तलाक लेना। बदले में वो उसे गांव का ये छोटा सा घर, फर्नीचर और एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नेचुरली सुराया इस ऑफर से बिल्कुल भी राजी नहीं है, मगर आली भी हार नहीं मानने वाला। उसने ऑलरेडी गाँव में ये बात स्प्रेड कर दिया है कि उसकी बीवी उसे अपनाती नहीं, सम्मान नहीं करती है, मतलब पत्नी का कोई भी धर्म वो नहीं निभाती, जो कि सरासर झूठ है। सुराया एक अच्छी पत्नी है, एक अच्छी माँ है। आली हमेशा उसे मारता है, जबरदस्ती करता है, मगर उसने कभी भी आज तक ऊंची आवाज में बात नहीं की। लेकिन आजकल आली कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर रहा है। बच्चों के सामने उसके बारे में अनाप शनाप कह रहा है, गाली दे रहा है, इवन मार डंभे रहा है। असल में वो और वेट नहीं कर पा रहा, तो एक दिन वो शेख हसन को सुराया को समझाने के लिए कहता है। हसन को भी पता है उसके एलिगेशंस गलत हैं। इस गांव में सभी जानते हैं सुराया एक अच्छी लड़की है, तो पहले तो वो राजी नहीं होता, लेकिन आली उसे उसके बैकग्राउंड को लेकर ब्लैकमेल करने लगता है। असल में ये जो हसन है वो एक कैदी है जिसके बारे में किसी को नहीं पता सिवाय आली के, क्योंकि वो भी उसी जेल में काम करता है। तो फाइनली अपना रेपुटेशन बचाने के लिए हसन सुराया को समझाने जाता है, मगर सिर्फ आली के कहने पर नहीं, इसमें उसका भी पर्सनल इंटरेस्ट है। असल में वो भी मन ही मन सुराया को पसंद करता है। वो उसे उसकी मिस्ट्रेस या फिर टेम्पोररी वाइफ होने का प्रपोजल देता है, जिसे सुनकर सुराया और उसके आंट जारा उसे गाली देकर भगा देते हैं। उस दिन तो हसन उस घर से बेइज्जत होकर निकल गया, मगर वो ये इंसल्ट कभी नहीं भूला। इसका बदला लेने के लिए वो आली के साथ जुड़ गया और आली को और उकसाने लगा। आली भी बहुत वायलेंट होने लगा था। एक रात वो सुराया को बहुत मारता है, बहुत अपमान करता है उसका,
जो सुराया सहन नहीं कर पाई और वो अपने दोनों बेटी को लेकर जहरा के घर चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें पता चलता है इस गांव में एक औरत की मौत हो चुकी है। घर में उसका पति हासिम और एक बेटा है जो मेंटली इल है। हासिम का एक गैराज है तो वो हमेशा वहाँ ही बिजी रहता है, तो उसका घर संभालने के लिए और इस लड़की का देखभाल करने के लिए कोई तो चाहिए। तो गांव के सभी लीडर्स मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि ये काम सुराया करेगी, इससे उसका टाइम पास भी हो जाएगा और बदले में उसे कुछ पैसा भी मिलेगा। सुराया खुशी खुशी इस काम के लिए मान गई। वो खुद से कुछ कमा रही है, सेल्फ डिपेंडेंट बन रही है, यही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। वो बहुत खुश है। हासिम एक काफी शरीफ आदमी है, वो जरूरत से ज्यादा उससे बात तक नहीं करते। सुराया भी अपना काम पूरा करने के बाद उस घर में एक मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं रखती, मतलब उनके बीच एक काफी प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। मगर आली अपना प्लान सक्सेसफुल करने के लिए इसी प्रोफेशनल अप्रोच को एक गंदा नाम दे देता है। वो हसन के साथ मिलकर सुराया पर अडल्ट्री का चार्ज लगाता है। उसे और हासिम को लेकर गांव में बात फैलाने लगता है कि सुराया एक बहुत गंदी औरत है जो दूसरे मर्द के साथ सोती है, मतलब वो अपने पति के प्रति अनफेथफुल है। नॉट ओनली दैट, वो लोग इस गांव के मेयर इब्राहिम से मिलकर ये कम्प्लेन ऑफिशियली फाइल करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें दो विटनेस की जरूरत है। एक तो वो हसन बन जाएगा, मगर दूसरा इब्राहिम कह देता है कि कोई सीरियस ट्रस्ट रोड के बंदा ही चाहिए, कोई पीएनपी से करने वाली परोसे नहीं। तो आली इस कम्प्लेन को फुल प्रूफ बनाने के लिए एक ऐसे बंदे को पिक करता है जिसकी गवाही बहुत इम्पोर्टेंस देता है, और वो है हासिम खुद। पहले तो आली उसे हसन के घर में बुलाकर कुछ फेक पेपर्स दिखाकर डराता है कि उसके अगेंस्ट वो उसके बीवी को ललचाने का इल्जाम लगाने वाला है। पुलिस केस होगी तो उसे बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। इससे अच्छा वो अभी इन दोनों के सामने ही सब कुछ कबूल कर ले। मगर हासिम तो इनोसेंट था, वो कुछ भी कहने से इनकार करता है। तो आली उस पर प्रेशर बनाने के लिए उसके बेटे को हथियार बनाता है, उसे मारने की धमकी देता है, जिससे फाइनली हासिम भी ये सब झूठ मूठ के एलिगेशंस मान लेता है। उधर ये सारे रूमर्स धीरे धीरे जारा के कान तक भी पहुंचने लगे थे। इनफैक्ट जिस दिन आली और हसन इब्राहिम से मिलने गए थे, जारा उन पर नजर रख रही थी। वो श्योरली कुछ तो नहीं जान पाए, मगर कुछ चीजों का अंदाजा वो ऐसे ही लगा सकती थी। ऊपर से ये जो इब्राहिम था वो जारा का पुराना दोस्त भी था, तो जारा उसे पर्सनली मिलकर उसे वार्न करती है, मगर इब्राहिम उसके बातों पर इतना ध्यान नहीं देता। तो बेचारी जारा सुराया को ही बताने जाती है कि उसे शायद वो काम छोड़ देना चाहिए, मगर सुराया को तो लगता है कि जारा बेकार में परेशान हो रही है। मगर ये बात कितनी ध्यान देने वाली थी ये तो उसे उसके अगले दिन ही पता चल जाता है, जब उसका पति आली अचानक से घर के सामने लोगों को बुलाने लगता है। ये कहकर लोगों को इकट्ठा करता है कि उसकी पत्नी एक कैरेक्टरलेस है, हसन के साथ उसका अफेयर चल रहा है। उसके चिल्लाने की आवाज से जारा भी उसके घर के सामने जा पहुंची थी। वो देखते ही ये जल्लाद सुराया को बालों से खींचकर घर से बाहर निकाल रहा है, उसे मार रहा है, गाली दे रहा है, सबके सामने बेइज्जत कर रहा है। बेचारी सुराया रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, मगर आली उसे बीच रास्ते पर घसीटते हुए आगे ले जा रहा था और सबके सब सारे सर्कस देख रहे थे। कोई भी उसे मना नहीं कर रहे थे, सभी उसे उल्टा सपोर्ट कर रहे थे। जारा ये देखकर खुद को और रोक नहीं पाती, आली उसे भी इंसल्ट करता है, मगर जारा उस पर ध्यान ना देते हुए सुराया को वहाँ से रेस्क्यू करके अपने घर ले जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं उस घर में आली और इब्राहिम भी जा पहुँचते हैं। वहाँ एक ट्रायल शुरू हो चुकी थी। आली सबके सामने सुराया पर झूठ मूठ का इल्जाम लगाता है, जो सुराया मानने से इनकार करती है, लेकिन आली अपने सपोर्ट में हासिम को लेकर हाजिर होता है, जो इब्राहिम के सामने आली ने जो जो कहने के लिए कहा था वो सब कुछ बिल्कुल लाइन बाय लाइन कह देता है। सुराया उससे फ्लर्ट करती है, उनके घर में काम के अलावा भी बहुत वक्त बिताती है, उससे वो सब बातें करती है जो एक औरत सिर्फ अपने पति से कह सकती है। इब्राहिम जो अभी तक स्केप्टिकल था, वो हसन के बातों से बिल्कुल श्योर हो जाता है और सुराया को दोषी करार देते हुए उसे एक घंटे का वक्त दे दिया अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर यही नियम है, अगर कोई मर्द किसी औरत पर इल्जाम लगाता है तो उस औरत को ही अपनी इनोसेंस प्रूव करना पड़ता है, और अगर कोई औरत किसी मर्द पर इल्जाम लगाती है तब भी औरत को ही सबूत कलेक्ट करना पड़ता है। मगर सुराया कैसे प्रूव कर सकती है कि वो इनोसेंट है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, कोई उसके बातों पर बिलीव तक नहीं करेंगे। कुछ औरत है उसके वेल विशर्स, मगर यहाँ पर उनके बातों का कोई भी वैल्यू नहीं है। उनके पति, पिता, भाई, ससुर, घर के मर्द जो डिसीजन लेते हैं वही फाइनल है। तो सारे मर्द एक साथ एक मीटिंग अरेंज करते हैं, उसमें सुराया के दोनों बेटे को भी ले जाया जाता है।
उनके सामने उनके माँ को कैरेक्टरलेस प्रूव किया जाता है, जिसकी सजा है स्टोनिंग। सुराया को गांव के बीच सबके सामने पत्थर से जख्मी करके खून किया जाएगा। उसने इस गांव के सम्मान के साथ खेलने की जरूरत चुकी है, इसकी कीमत उसे चुकानी ही पड़ेगी। ये एक सीख होगी सारे लड़कियों के लिए, जिससे सभी औरत अलर्ट हो जाए और कोई भी ऐसी गलती ना दोबारा करे। जैसे ही जारा को यह बात पता चलती है, वो सुराया को लेकर घर से भागने की कोशिश करती है, मगर तब तक इन लोगों ने शहर से आर्म्ड फोर्स बुला चुके थे। उन्हें फिर से घर भेज दिया जाता है। जारा और कुछ नहीं कर सकती थी, वो बेचारी हेल्पलेसली रोने लगती है। उधर ऑर्डर आ चुका था सुराया को रेडी करने के लिए। सुराया रो तो नहीं रही थी, मगर डर बहुत लग रहा था उसे। वो अपने दोनों बेटी को पास बुलाकर अपनी आखिरी निशानी उन्हें गिफ्ट करती है, इस उम्मीद के साथ कि वो जब बड़े हो जाएंगे तब उन्हें उनके माँ की असलियत के बारे में पता चलेगा, तब वो लोग अपने माँ को लेकर शर्मिंदा नहीं रहेंगे। समय आ चुका था। सुराया व्हाइट गाउन में सबके सामने जाकर हाजिर होती है। सबसे वो सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही थी, उस पर जो इल्जाम लगाया गया है वो क्या सब सच मानते हैं। उसके सामने भीड़ में उनके पिता भी प्रेजेंट थे, जो अभी सुराया को अपनाने से ही मना कर रहे थे। उसके लिए वो एक स्लट थी, सिर्फ एक स्लट। इस भीड़ में छोटे बच्चे भी प्रेजेंट थे, जिन्हें इस सबका कोई मतलब भी नहीं पता। इन लोगों ने इन बच्चों से पत्थर जमा करने का काम करवाया है। बस्ते भर भर के पत्थर जमा किया है इन लोगों ने। सुराया का हाथ पैर बांध के उसे गड्ढे में डाल के पेट तक जमीन के अंदर दफन कर दिया जाता है, जिससे वो हिल नहीं पाए। सबसे पहले उसके पिता को पत्थर दिया जाता है। वो तीन अटेम्प्ट्स मिस करते हैं, तो आली वो पत्थर उठा के सुराया को मारता है। उसके बाद एक एक करके उसके दोनों बेटे हसन सुराया को पत्थर मारते हैं। उसके माथे से खून बह रहा था, उसका चेहरा बिगड़ चुका था और सफेद गाउन लाल हो चुका था। मगर ये तो सिर्फ शुरुआत था, यहाँ पर बहुत लोग जमा हुए थे। पहली बार गाँव में ऐसा कुछ हो रहा था, ये तो एक सर्कस बन चुका था। सबके अंदर जैसे इस गांव का सम्मान बचाने का जुनून सवार हो चुका था। सब लोग पागलों की तरह इस अनफेथफुल लेडी को सजा देना चाहते थे। नियमानुसार इसके बाद हासिम की बारी थी, उसे भी पत्थर दिया जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाया और वहां से अपने बेटे को लेकर निकल गया। बस इसके बाद ही शुरू हुआ वो दर्दनाक खेल। इसके बाद सभी लोग एक साथ सुराया को पत्थर मारने लगे। वो जानवर आली वो सब लोगों को उकसा रहा था और पत्थर सप्लाई कर रहा था। सुराया बहुत देर तक सहन नहीं कर पाई, वो धीरे धीरे वहीं पर दम तोड़ दी। उसके आसपास की जमीन तक उसके खून से लाल हो चुकी थी। वो पत्थर भी थक चुके थे, मगर ये लोग रुकने का नाम तक नहीं ले रहे थे। जब फाइनली सुराया की हड्डी पसली एक हो जाती है, आली खुद जाकर कंफर्म करता है कि वो मर चुकी है, तब सभी लोग उसके लाश को वहीं उसी हालत में छोड़कर निकल गए। आज के लिए एनफ एंटरटेनमेंट उन्हें मिल चुका था। गाँव में जैसे मेला बैठ चुका था, सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, इतना महान काम जो किया है। जब सब लोग चले गए तो रात के अंधेरे में जारा कुछ औरतों के साथ मिलकर सुराया के शरीर को नदी किनारे रख देती है। उसे फ्यूनरल तक नसीब नहीं होती। आज सुबह जब जारा वहाँ गई थी, तब तक उसके लाश को जंगली जानवर खा चुके थे और वहाँ पर ही जारा को वो रिपोर्टर दिखा था पहली बार। जारा यहाँ तक कहकर रुक जाती है, इस रिपोर्टर ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था और अभी वो इस कहानी को दुनिया तक पहुंचाएगा, जिससे दोषी को सजा मिले। मगर जारा को पता था ये लोग उसे इतना आसानी से जाने तो नहीं देंगे। इसीलिए जब हासिम इस रिपोर्टर की गाड़ी ठीक करने के बाद उसे बुलाने आता है, तो जारा उस असली कैसेट को अपने पास छुपा लेती है। उसका गैस बिल्कुल सही निकला। गाड़ी को पिकअप करते टाइम इब्राहिम हसन और भी कई सारे लोग इस रिपोर्टर को गन पॉइंट पे लेकर उसका सारा सामान डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मगर तभी वहाँ आली आता है और कहता है वो जिस लड़की को शादी करने के लिए इतना सब कुछ किया मेहरी, वो शादी ही कैंसिल हो गई क्योंकि आली ने उसके पिता को बचा नहीं पाया। ये सुनकर गुस्से में हासिम भी इब्राहिम के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि वो सब उसने झूठ कहा था। इब्राहिम समझ चुका था उससे कितनी बड़ी गलती हो चुकी है, मगर अभी तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। वो अनजाने में ही सही, मगर इस सब के लिए जिम्मेदार बन चुका था, तो वो भी हसन के साथ मिलकर इस रिपोर्टर को रोकने की कोशिश करता है। मगर ये बंदा भी बहुत ही ब्रेवली उन सबको पीछे छोड़कर भागने में कामयाब हो जाता है। कुछ दूर जाने पर उसे रोड साइड पर जारा मिलती है, जो उसे असली कैसेट देती है। इसके बाद सुराया को इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी उसकी है, जो वो फोटोग्राफर यानी कि रिपोर्टर पूरा करता भी है। इसीलिए तो हमें यहाँ तक ये कहानी पता चली है। गाइस आई नो ये फिल्म काफी सेंसिटिव है, मगर इसकी कहानी भी कुछ ऐसी है जो हमारे दिल को छू जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।